नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार साई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एपी समांतर श्रेणी के बारे में सीखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। और समांतर श्रेणी के से पहले उसके कुछ कुछ जो है कि टर्म है उसको समझना है। जैसे सीक्वेंस क्या है, सबसे पहला बात सीक्वेंस क्या है कि सीक्वेंस जिसको कहते हैं हिंदी में अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम कुछ नहीं, अनुक्रम एक तरह के समझिए पैटर्न है कि जो काम अगला आदमी कर रहा है वही काम सेकेंड आदमी कर रहा है, वही काम आगे वाला कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम सीक्वेंस अनुक्रम। तो अनुक्रम एक प्रतिरूप है, अनुक्रम एक क्या है, प्रतिरूप है। जो पहला सदस्य जो करता है वही दूसरा सदस्य काम करता है, वही तीसरा सदस्य काम करता है, डाउट आगे जिस तरह से बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। जैसे अनुक्रम का अर्थ है वस्तुओं का समूह जो अपने पूर्व की वस्तुओं का अनुकरण करता है, अर्थात पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य, डाउट आगे जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, 2, 5, 8, 11 डाउट जा रहा आगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 से ये 3 अधिक है, 5 से भी फिर ये 3 अधिक हो गया, अर्थात इससे 3 अधिक ये है, इससे 3 अधिक ये है, और इससे 3 अधिक ये हो गया 11। इस तरह से ये किया क्या हो गया, एक अनुक्रम हो गया। जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर इसके है बाद है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट, इसी तरह से ये भी एक अनुक्रम है। तो अनुक्रम क्या है, जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या, इसके बाद लगले जो है 2 का स्क्वायर है, फिर इसके बाद जो संख्या होता है 3 का स्क्वायर है, इसके बाद 4 का स्क्वायर है, तो इस तरह से एक ये क्या हो गया, अनुक्रम हो गया। जैसे 0 पहला पद है, 0 0 के बाद -2 हुआ, मतलब 2 कम गया, 2 से फिर -4 तो मतलब फिर -2 हो गया, उसके बाद इससे -2 यहाँ पर किए तब आ गया -6, डॉट इस तरह से एक अनुक्रम है। से 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, यह क्या है, अनुक्रम है। तो अनुक्रम हम लोग समझ गए कि अनुक्रम क्या है, अनुक्रम के पद, तो अनुक्रम के सदस्य को अनुक्रम के पद कहते हैं, अनुक्रम के सदस्य को अनुक्रम का पद कहते हैं। जैसे किसी अनुक्रम के सदस्य को हम T1, T2, T3 क्रमशः पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट द्वारा सूचित करते हैं। मतलब अनुक्रम का हमारा पहला पद हो गया T1, दूसरा पद हो गया T2, तीसरा पद हो गया T3, इसी तरह से T4, T5, डॉट और अंतिम में आएगा TN, तो उसको कहेंगे सीक्वेंस का अर्थात अनुक्रम का अंतिम पद, उसे क्या कहेंगे, अनुक्रम का अंतिम पद। तो इतना समझ में आ गया बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अनुक्रम का अंतिम पद को, अनुक्रम का अंतिम पद को कहने के, अनुक्रम के अंतिम पद को TN या AN से
सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अनुक्रम के अंतिम पद को टीएन या एएन से सूचित करते हैं। जैसे हम एक अनुक्रम लेते हैं, एक अनुक्रम लेते हैं, तो यहां पर हम ले रहे हैं एक, पांच, नौ, तेरह, सत्रह, डॉट 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 कर दिए। इसमें पहला पद ये हो गया, ये हुआ पहला पद, पहला पद ये हुआ हमारा दूसरा पद। इसी तरह से ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों T1 का मान, अगर तुमसे पूछे T1 का मान, मतलब प्रथम पद, T1 बराबर प्रथम पद, प्रथम पद बराबर वन, प्रथम पद बराबर वन। T2 अगर पूछ देता तो ये हो जाता T2 द्वितीय पद, तो पांच हो जाता, T2 कितना हो जाता पांच। इसी तरह से T3 पूछ देता तीसरा पद, तो T3 बराबर क्या लिखते हैं नौ, T3 बराबर क्या लिखते हैं नौ। इसी तरह से T4 हो जाता तेरह, T4 हो जाता तेरह, और T5 हो जाता सत्रह। ये सब पद कहलाते हैं, उसके जितने भी सदस्य होते हैं पद कहलाते हैं। और अंतिम पद डॉट डॉट, अभी इसका अंतिम पद पता नहीं कितना होगा, ये डॉट डॉट हो गया तो मतलब इसका अंत अभी नहीं है। अगर ये डॉट डॉट नहीं रहता तो ये अंतिम पद हो जाता, अगर ये डॉट डॉट नहीं होता तो ये अंतिम पद हो जाता। अब जानेंगे श्रेणी के बारे में, श्रेणी कि श्रेणी क्या होती है। श्रेणी तो श्रेणी कुछ नहीं है, वो एक अनुक्रम है। ये क्या है, अनुक्रम है जो किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे जाते हैं, जो किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम श्रेणी कहते हैं। श्रेणी या श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी, श्रेणी किसी अनुक्रम के पद किसी अनुक्रम के पद किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों, किसी विशेष शर्तों, किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम श्रेणी या श्रेणी कहलाते हैं, श्रेणी या श्रेणी कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोग्रेशन कहते हैं, प्रोग्रेशन। तो किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम श्रेणी या श्रेणी कहलाते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, यहां पर अध्ययन करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी बहुत प्रकार के श्रेणी, लेकिन हम 10th में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना, आगे चल के आगे हायर क्लास में
समांतर श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी होती है, गुणात्मक श्रेणी होती है, वो सब का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन यहाँ हम अभी सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। तो आइए बच्चों, समांतर श्रेणी के बारे में देखते हैं कि क्या है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ARITHMETIC, अरिथमेटिक PROGRESSION, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है तो उसके बारे में हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो ये कुछ नए संख्याओं का एक अनुक्रम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक संख्याओं का अनुक्रम है जो दूसरा पद और पहले पद का अंतर जो होता है उसी तरह से तीसरा पद और दूसरे पद का अंतर के बराबर होता है। तो हम कहते हैं कि समांतर श्रेणी में अनुक्रम है। तो ये होता है संख्याओं 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 के एक के एक के संख्याओं के एक संख्याओं के एक संख्याओं के एक अनुक्रम एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं यदि यदि किसी पद और उसके पूर्व और उसके पूर्व पद का पूर्व पद एक नियत पूर्व पद किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर अंतर नियत संख्या होता है। क्या लिखा है? संख्याओं के अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं यदि किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर नियत संख्या होता है। तो नियत संख्या क्या कहलाता है? नियत संख्या को समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहा जाता है। सार्व अंतर कहा जाता है और इसे सीडी द्वारा सूचित किया जाता है सूचित किया जाता है और इसे सूचित किससे करते हैं बच्चों? सी डी द्वारा या सिर्फ डी द्वारा निरूपित हम करते हैं सार्व अंतर को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सार्व अंतर, इसमें कहा कि वैसा अनुक्रम
जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर नियत होता है। नियत कहने का मतलब समान आता है। जैसे हम ले लिए 5, 7, 9, 11, 13, 15... तो ये हो गया एक सीक्वेंस, अर्थात एक अनुक्रम है। और ये अनुक्रम हम चेक करेंगे कि एपी है या नहीं। तो इसके लिए देखेंगे, ये प्रथम पद कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, यहाँ टी वन का मान अगर लिखने के लिए कहेगा तो 5, टी टू का मान लिखने के लिए कहेगा तो 7, और टी थ्री का मान लिखने के लिए कहेगा तो 9, टी फोर का मान लिखने के लिए कहेगा तो 11, टी फाइव हो जाएगा 13, इसी तरह से। अब हम द्वितीय पद, दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं तो टी टू माइनस टी वन निकालते हैं तो कितना आता है, तो 7 - 5 = 2। यहाँ नियत आ गया, दो नियत राशि। टी थ्री माइनस टी टू निकालते हैं तो टी थ्री है 9 - 7 = 2। तो देख रहे हैं कि दोनों का अंतर समान है। तो यह एक एपी है, तो इसलिए क्या हो गया, एक एपी है। ये हो गया एपी में, एपी, उसको शॉर्ट में एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी कहते हैं, इसीलिए एपी लिखते हैं। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और एपी का उदाहरण हम लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10... एपी में 3, 8, 13, 18 एपी में है। इस तरह से बहुत सारा है सबका, क्योंकि देखो 2 में यहाँ पर +2 किया तो ये मिला, इसमें +2 करेंगे तो ये मिलेगा, यानी कि इसमें अगर +2 कर देंगे तो ये मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें हम 3 जोड़े हैं तो ये मिल गया, दूसरा पद में फिर 3 जोड़ेंगे तो 13 मिल जाएगा, तीसरा पद में फिर हम 5 जोड़ रहे हैं तो प्रत्येक में क्या है, 5 - 5 का डिफरेंस है, 5 - 5 का डिफरेंस, अर्थात डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो डिफरेंस जब बराबर आएगा तो समझ जाना बच्चों कि वो एपी में होगा। हर समय डिफरेंस ही बराबर करना एपी के लिए, कि एपी में है कि नहीं। कोई सीक्वेंस दे दिया, सीरीज दे दिया हमको, अनुक्रम दे दिया है और कहा कि जांचिए कि एपी में है या नहीं, तो बस कोई कहीं से भी एक पद उठाएंगे उसमें से ये घटा देंगे, उसके आगे वाला घटाएंगे, फिर ये पद लेंगे और उसके आगे वाला घटाएंगे। अगर दोनों में बराबर आ रहा है तो समझ आइएगा कि वो एपी में है। अब एपी के प्रकार होता है, एपी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एपी, एपी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एपी, एपी के प्रकार। तो एपी देखिए दो प्रकार के होता है, एपी कितने प्रकार का है, दो प्रकार के। एक नंबर में यहां पर लिखेंगे एपी दो प्रकार के
होते हैं, एक में है परिमितेपि, परिमितेपि, और दो में है अपरिमितेपि, दो में अपरिमितेपि, अपरिमितेपि। हम यहां पर समझेंगे कि परिमितेपि क्या है और अपरिमितेपि क्या है, दोनों के बारे में जानेंगे कि परिमित क्या है और अपरिमित क्या है। तो सबसे पहले परिमित, परिमित एपी, परिमित एपी, तो परिमित एपी, परिमित का मतलब पहले समझिए क्या होता है। परिमित का मतलब होता है जिसको हम गिनती कर सकते हैं, यानी कि जिस संख्याओं को हम गिनती कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास रुपया मनी जो होता है परिमित होता है, उसके संपत्ति को हम गिन सकते हैं कि इसके पास कितना रुपया है, तो परिमित हो गया। और अपरिमित का मतलब होता है जिसकी गिनती नहीं कर सकते, जैसे राजस्थान का रेगिस्तान में जो बालू है वो अपरिमित है, कितना उसमें बालू है कोई नहीं गिन सकता है, ये अपरिमित हो गया। तो परिमित का अर्थ समझ लिया, तो परिमित एपी का मतलब आप समझ लिए। तो वैसा एपी, वैसा एपी जिसमें जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, परिमित हो, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो परिमित एपी कहलाता है, परिमित एपी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं इस पर, 7, 10, 13, 16, 19, ये एक परिमित एपी है। ये कैसा एपी है? परिमित एपी, क्योंकि इसमें पहला पद है 7, दूसरा पद है 10, तीसरा पद है 13 और चौथा पद है 16 और पांचवा पद है 19। तो अर्थात यहाँ कुल मिलाकर के 5 पद है, कुल मिलाकर के 5 पद, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए परिमित एपी हुआ। इसमें पदों की संख्या निश्चित है, जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित एपी कहते हैं। और परिमित एपी का एक बहुत बड़ा गुण है कि इसका अंतिम पद दिया रहेगा। बच्चों परिमित एपी का अंतिम पद यहाँ पता है, जो शुरू में लिखा हुआ रहता है कोई भी एपी का वो प्रथम पद कहलाता है। तो शुरू में लिखा हुआ यहाँ पर 7, तो यहाँ हम अगर प्रथम पद अगर लिखना चाहेंगे, प्रथम पद बराबर 7, सबसे पहले ये पहचानिए कि प्रथम पद क्या होता है। तो प्रथम पद जो शुरू में लिखा रहता है वो प्रथम पद होता है, तो यहाँ प्रथम पद है 7। इसको T1 से सूचित करते हैं, ये T1 बराबर हो गया 7। दूसरा जगह पर जो लिखा हुआ रहेगा वो द्वितीय पद कहलाएगा, मतलब T2 ही हो गया। दूसरा पद इसका पूछेगा अगर कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद तो आ जाएगा 10, दूसरा पद क्या हो जाएगा 10। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि तीसरा पद क्या है, T3 तो बराबर 13, T3 क्या है 13 है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस पूछा जाए, CD पूछा जाए, तो CD भी बता सकते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सार्व अंतर बराबर सूत्र होता है, सार्व अंतर बराबर होता है T2 माइनस T1, अर्थात D बराबर T2 माइनस T1। अगर यहाँ पर हम यहाँ अगर D निकालना चाहें, D बराबर क्या हो रहा है बच्चों, तो D बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7 बराबर कितना आ गया 3। इसका D आ गया 3, इस AP का D आ गया 3। और अंतिम पद पूछेगा इसका कितना है, अंतिम पद, तो अंतिम पद पता है,
अंतिम पद बराबर 19, इसका अंतिम पद 19 है। परिमित एपी का अंतिम पद ज्ञात होता है, पता रहता है कि अंतिम पद कितना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट, एक नोट ले लीजिए। नोट है कि परिमित एपी का अंतिम पद ज्ञात होता है। परिमित एपी का अंतिम पद ज्ञात होता है, जो अंतिम में लिखा हुआ रहेगा अंतिम पद कहलाएगा। अब आते हैं अपरिमित एपी। दूसरा, अपरिमित एपी, अपरिमित एपी क्या है? तो वैसा एपी जिसका पदों की संख्या अनगिनत होती है, अर्थात जिस एपी में पदों की संख्या अपरिमित होती है, जिस एपी में पदों की संख्या अपरिमित होती है उसे अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 9, 11 .. ये हो गया अपरिमित एपी। अपरिमित एपी की पहचान कैसे करेंगे? अंतिम में .. रहेगा। अंतिम में क्या रहेगा? .. रहेगा। यहाँ d बराबर अगर पूछा जाए तो 5 - 3 = 2। और एग्जांपल है 10, 15, 20, 25 .. अपरिमित एपी है, अपरिमित एपी जिसमें अंतिम में .. रहेगा। तो पदों की संख्या इसमें पता नहीं कि कितना है, अनगिनत पद हो गया, इसे तो कहते हैं कि अपरिमित एपी। इस यहाँ d अगर पूछा जाए, यहाँ d बराबर क्या होगा बच्चों? तो 15 - 10 या 20 - 15, कहीं से भी एक ले सकते हैं। 25 - 20, कोई एक पद उठाइए, उसके पहले वाला पद को घटा दीजिए, d निकल जाएगा। 20 - 15 = 5। अब इस पर कुछ एपी पर हम एग्जाम्पल कराते हैं कि एपी का अगर अंतिम पद दिया रहे तो कैसे निकालेंगे हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये सब सिखाते हैं। अंतिम पद दिया रहे तब, जैसे अंतिम पद को हम टीएन से सूचित करते हैं, तो टीएन बराबर यदि टीएन बराबर एन प्लस 2
हो तो, यदि tn बराबर n प्लस 2 हो तो ap के प्रथम तीन पद ज्ञात करें, ap के प्रथम तीन पद ज्ञात करें। चूंकि tn बराबर है n प्लस 2, देखो ap के जितना भी पद निकालना है तो n बराबर अगर एक रखेंगे तो यहाँ t1 बन जाएगा। और t1 को तो ही प्रथम पद कहते हैं। प्रथम तीन पद निकालना है, t1, t2, t3 निकालना है। तो यहाँ पर n बराबर एक रखेंगे तो n बराबर एक रखने पर तो t1 हो जाएगा। तो t1 बराबर इस साइड अगर n बराबर एक रख दिए तो t1 बन गया, यहाँ पर रख दीजिए n बराबर 1, तो 1 प्लस 2 बराबर 3, प्रथम पद कितना हो गया 3 हो गया। t2 अगर निकालना है तो n बराबर रखेंगे 2, n बराबर 2 रखने पर रख दीजिए तो निकल जाएगा, यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 2 रखिए तो बन जाएगा t2, और t2 बराबर हो जाएगा तो इधर भी n बराबर 2 रखिए, तो 2 प्लस 2 बराबर 4। तो बच्चों t3 अगर निकालना है हमको, t3 निकालना है तो n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर n बराबर t रखने पर तो हो जाएगा, इधर 3 रख दीजिए यहाँ तो हो जाएगा t3, तो 3 यहाँ भी रख देंगे, 3 प्लस 2 बराबर 5, n बराबर कितना हो गया t3 हो गया हमारा 5, 3 2 5। तो प्रथम पद मेरा था 3, द्वितीय पद था 2 4, तृतीय पद था 5, तो इसलिए एपी के प्रथम तीन पद बराबर हो गया 3 4 5 आंसर। इसी तरह से अगर tn दिया रहेगा तो हम उसका पद को निकाल सकते हैं, जौन पद पूछे, कभी कभी पूछेगा 20वां पद, 21वां पद, जौन पद पूछे, या कभी कहेगा 4 पद, प्रथम 3 पद, प्रथम 2 पद, इस तरह से ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो आप उसमें रख करके आराम से निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी वे में सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि tn बराबर है n स्क्वायर बटे n प्लस 2, कोई अनुक्रम है, ये एक अनुक्रम है जिसका कह दिया tn दे दिया, tn का मतलब अंतिम पद दे दिया, तब इसमें क्वेश्चन करेगा कि प्रथम तीन पद ज्ञात कर रहे, तो तब अनुक्रम का प्रथम तीन पद ज्ञात करें, प्रथम तीन पद ज्ञात करें, इसका तीन पद हमको निकालना है, तो रख देंगे t1 निकालेंगे, सबसे पहले t1, तो यहां 1 रखें तो हो गया t1, तो जहां जहां इधर n दिख रहा है वहां भी 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बराबर 1 का स्क्वायर होता है 1 बटे 2 प्लस 1 3, तो प्रथम पद हो गया 1 बटे 3। t2 निकालना है तो n बराबर 2 रख देंगे, t2 बराबर इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अब बटे 2 प्लस 2 बराबर 2 का स्क्वायर होता है 4 बटे 4, कट करके 1 बराबर 1। अगर तीसरा पद निकालना है तो n बराबर यहाँ 3 रख दीजिए, तो रखा गया यहाँ पर 3 तो हो गया t3, 3 रखेंगे t3 बन जाएगा, और तीसरा पद हो गया ही t3 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर बटे 3 प्लस 2 बराबर हो गया 3 का स्क्वायर 9 बटे 5। अतः अनुक्रम का प्रथम तीन पद बराबर हो गया
पहला था 1/3, दूसरा था 1, और तीसरा था 9/5। ये आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों आप जितना भी कहे निकाले ले, आराम से आप निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहेगा कि कोई अनुक्रम है, उसका अंतिम पद दे दिया है, तो 15वां पद ज्ञात कीजिए, 16वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप ज्ञात कर सकते हैं। अनुक्रम का अंतिम पद यानी कि tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1/3 हो तो इसका 15वां पद ज्ञात करें। तो बहुत ईजी है बच्चों, एपी का कह रहा है कि अनुक्रम का अंतिम पद है tn, tn का मान दे दिया है, तो इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो 15वां पद निकालना है तो n बराबर 15 रख देना है। n बराबर कितना रखेंगे? 15। n बराबर 15, 15 रखेंगे तो जो मान आएगा वही होगा 15वां पद। तो यहां पर हो गया n बराबर लिखेंगे इसका हल में n बराबर 15 रखने पर, तो टी यहां पर 15 रख देंगे तो टी 15 बराबर हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 1/3। यहां पर हो गया 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1/3, तो 226/3। ये हो गया आंसर, 15वां पद 226/3। बहुत इजी से बताया जा रहा है, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। और ये पी का ये प्रथम पाठ हम लेकर के आए, इसी तरह से अगला पाठ लेकर के आएंगे, इसको लिख लीजिए। अब एपी दे देगा उसका सार्वंतर लिखने के लिए कहेगा, ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन है कि एपी -3, -5, -7... का सार्वंतर, का सार्वंतर बताएं। तो सार्वंतर मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सीडी। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना, एपी का दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है, सार्वंतर निकल जाएगा। सार्वंतर निकालना है, एपी अगर कह रहा है एपी है तो कोई भी पद इसमें ले सकते हैं, पहला वाला छोड़ करके दूसरा ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए, चौथा ले लीजिए, जौन पद लीजिएगा उसके पहला वाला पद घटा देना है, और जितना मान आएगा वो हो गया तुम्हारा सार्वंतर। यहां लिखेंगे T1 -3, T2 -5, चूंकि जानते हैं D बराबर होता है, मतलब सार्वंतर बराबर होता है T2 -T1, और T2 का मान है -5 माइनस, और T1 का मान है -3, तो हो गया -5 + 3 = -2। ये हो गया सार्वंतर। तो सार्वंतर आराम से ज्ञात कर सकते हैं किसी का। अगला क्वेश्चन है, यदि A = 5, D = -3, तो AP का प्रथम
चार पद ज्ञात करें। ए बराबर दे दिया है पांच, मतलब ए कहते हैं प्रथम पद को और डी कहते हैं सार्वंतर को, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर दोनों दिया हुआ है। तो निकालना क्या है हमको, प्रथम चार पद निकालना है एपी का, तो प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहता है, तो कैसे हम निकालेंगे एपी का पद, तो बहुत आसान है भाई। तो प्रथम पद हम पहले लिख लेंगे और उसमें सार्वंतर को जोड़ते जाएंगे, अगला पद मिलते जाएगा, प्रत्येक बार सार्वंतर को जोड़ेंगे अगला पद मिलते जाएगा। जैसे यहाँ पर है हल, इसका अगर लिखेंगे हम यहाँ, यहाँ ए बराबर कितना है, ए बराबर है पाँच, डी बराबर कितना है माइनस तीन, डी बराबर कितना है माइनस तीन। तो प्रथम चार पद, एक तो पहला पद ही हो गया, प्रथम पद ही हो गया, हमको निकालना था प्रथम चार पद, चार में से तो एक पता है, चार में से एक पता है, तीन गो बच गया, तीन गो और लिखना है, तो कुछ नहीं करना है। दूसरा पद अगर लिखेंगे, ये तो पहला पद हो गया, इसका पहला पद तो ये हो गया जो ए दिया हुआ वही पहला पद है, पहला पद तो पता हो गया कि भाई पांच है। दूसरा पद अगर निकालना है, दूसरा पद तो प्रथम पद में डी जोड़ दीजिए, प्रथम पद में डी जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या आता है, तो पांच में कितना जोड़ दें माइनस तीन, तो पांच प्लस माइनस माइनस हो गया बराबर दो, तो दूसरा पद हो गया दो। अगर तीसरा पद इसका निकालना है, तीसरा पद तो तीसरा पद तो उसमें फिर अभी दूसरा पद में जोड़ दीजिए डी, जितना दूसरा पद आया उसमें डी जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा, तो दो प्लस दो है दूसरा पद, इसमें डी जोड़ दीजिए, डी का मान कितना है माइनस तीन, तो माइनस तीन तो बराबर हो जाएगा दो माइनस तीन बराबर माइनस एक। चौथा पद निकालना है इसका, चौथा पद, चौथा पद तो हो जाएगा आवरे जो निकला तीसरा पद उसमें जोड़ दीजिए आप डी, तो हमारा तीसरा पद है माइनस वन, इसमें जोड़ देंगे डी को अर्थात माइनस तीन को, तो हो गया माइनस एक और माइनस एक और माइनस तीन बराबर माइनस चार, माइनस चार क्या हो गया चौथा पद हो गया इसका, लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने कैमरे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा सभी लोग के पास, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।